आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पिछले 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है, मतलब सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया पर शिकंजा कस चुका है। लेकिन आज रिया की अकड़ का एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल जब रिया सीबीआई पूछताछ के लिए निकल रही थी, जा रही थी, तो मीडिया ने उन्हें चेस किया, लेकिन अकड़बाज रिया ने मीडिया को तेवर दिखाए। बड़ा सवाल ये कि क्या ये रिया का डर था या फिर गुस्सा। डर को छुपाने और गुस्से को दिखाने की जरूरत इंसान को तभी पड़ती है जब उसने कुछ गलत किया हो। रिया चक्रवर्ती आज इसी डर और गुस्से के साथ सीबीआई ऑफिस के लिए रवाना हुई। कल एक चैनल को इंटरव्यू देते समय जिस कैमरे को वो अलग अंदाज में निहार रही थी, आज उसे ही देखकर भड़क गई। कल तक जिस कैमरे के सामने वो सुशांत और उसके परिवार पर सवाल उठा रही थी, आज उसी कैमरे से मुंह छुपाती नजर आई। हाँ भाई, कैमरा भी अलग अलग जो होता है। खैर, सीबीआई उनसे करीब 5 घंटे से सवाल जवाब कर रही है। सीबीआई ने उनके खिलाफ 7 दिनों की जांच में पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। 11:15 से लगातार घंटों से पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। मिरांडा की बात करें या फिर नीरज की बात करें, केशव जो कुक है उसकी बात करें, इन लोगों से भी सीबीआई अलग अलग पूछताछ करने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि सबसे अगर जिस तरीके से सीबीआई की प्लानिंग है उससे साफ समझ में आ रहा है कि अगर रिया सही तरीके से नहीं बोलती है तो सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा। इतना ही नहीं, रिया का भाई जो सोवी चक्रवर्ती भी यहाँ मौजूद है, उसको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा। यह पहला राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड की अगर बात करें तो ईडी में जो भी आगे की पूछताछ हुई है उस आधार पर भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है कि किस तरीके से आपके पास इतना पैसे आए, कहां कहां आपने इन्वेस्ट किए, कितने पैसे आपको सुशांत ने दिए, इन तमाम एंगल पर पूछताछ होने वाली है। लेकिन खेल तो रिया ने इंटरव्यू देकर खेल दिया, जिसका जवाब भी अब सामने आने लगा है। अब हम आपको बताते हैं कि रिया ने वो कौन से 5 दावे किए जो उसके झूठे बयान को दिखाते हैं। रिया का पहला झूठा दावा, सुशांत के परिवार से रिश्ते खराब थे। इसका जवाब सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट कर दिया कि जनवरी में वो सुशांत की तबीयत के बारे में सुनते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया चली आई थी। उनका कहना है कि सुशांत को उनका परिवार बहुत प्यार करता था। रिया का दूसरा झूठा दावा, सुशांत को प्लेन से डर लगता था, प्लेन उड़ाते सुशांत का वीडियो। इसका जवाब अंकिता लोखंडे ने सुशांत का एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो प्लेन उड़ाते नजर आ रहे हैं। रिया का तीसरा झूठा दावा, 2013 में डिप्रेशन में थे सुशांत, 2016 तक उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं था। रिया ने सुशांत के परिवार फिर उसके व्यवहार पर सवाल उठाया, उसे मानसिक बीमार बताया। लेकिन ये आज की तस्वीरें आप देख रहे थे, मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब नहीं दिया, कोहनी से कैमरा साइड करने की कोशिश की, रिया आगे बढ़ गई। लेकिन अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सीबीआई की टीम लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। अलग अलग टीम अलग अलग दिशा में जांच के एंगल के देखते हुए आगे जांच को बढ़ा रही है। लेकिन बड़ी खबर ये भी कही जा रही है कि सिद्धार्थ पिठानी एक तरफ सरकारी गवाह बनाए जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। रिया चक्रवर्ती को किसी भी वक्त सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। अभी तक वो जांच में कोऑपरेट कर रही हैं, लेकिन सवालों के जवाब में कई बातें उनके झूठ साबित हो रही हैं, कई बातों में विरोधाभास है, इसीलिए रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। प्रीति सोमपुरा पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। प्रीति, एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी वकील बनाने की तैयारी, उधर रिया चक्रवर्ती जो सवालों के जवाब दे रही हैं, लेकिन
कई सवालों के जवाब झूठ भी हैं, कई सवालों के जवाब में विरोधाभास भी है। जैसे उन्होंने कहा कि प्लेन में बैठने से डरते थे, लेकिन अंकिता लोखंडे ने भी तस्वीर शेयर की है, एक के बाद एक कई तस्वीरें उनकी बहन की तरफ से भी शेयर की गई है कि वो डरते नहीं थे, उनके तो मुस्कुराते हुए स्टंट करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। जी, क्योंकि जिस तरीके के दावे जो है रिया चक्रवर्ती ने किए हैं उसको पूरी तरीके से जो है अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, 7 घंटे हो गए लगातार पूछताछ चल रही है और इसी बीच में जो है सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी गवाह बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं अगर दूसरी बार बात करें तो रिया चक्रवर्ती ने कई सवालों के जवाब जो है देने से टाल दिए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन लगातार जो है सीबीआई उसकी पूछताछ कर रही है, कल भी उसकी पूछताछ होगी, लगातार 3 दिन तक जो है सीबीआई रिया चक्रवर्ती की पूछताछ करेगी। जो पहला चरण है उसमें 1-on-1 इंटरव्यू उसका चल रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। दूसरा चरण में जो होगा उसको जो 3 लोग थे उसके साथ में उसको बिठाया जाएगा, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के साथ में उसको बिठाया जाएगा। तीसरे चरण में जो है उसको बाकी के जो सीबीआई के ऑफिसर है 3 ऑफिसर मिलकर उसकी पूछताछ करेंगे। चौथे चरण में जो है जो 5 लोग जिस दिन घर में मौजूद थे 14 तारीख को, उसमें केशव कुक को भी बुलाया जाएगा, साथ में दीपेश सावंत को भी बुलाया जाएगा। और ये 5 लोग जो मौजूद थे सिद्धार्थ पिठानी, इन सभी के बीच में जो है रिया चक्रवर्ती को बिठाया जाएगा। 5वें चरण जो होगा वो आखिरी होगा, जिसमें जो है तय किया जाएगा कि जी अब क्या इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या नहीं है, यानी कि 5 चरण की लेवल की जो है पूछताछ जो है रिया चक्रवर्ती से। प्रीति सोमपुरा अहम जानकारी दे रही है, बारीकी से बता रही है कि 5 चरणों में चरणबद्ध तरीके से सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। उसमें पहला चरण आज का माना जा सकता है, रिया चक्रवर्ती से अकेले में पूछताछ हो रही है, लेकिन आगे आगे बाकी मेंबर्स के सामने आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी, ग्रुप में भी पूछताछ होगी और फिर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ मनोदशा को लेकर सवाल बार बार हमारे जहन में है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी। इसीलिए डॉक्टर्स का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर श्वेता, साथ ही वेदभूषण सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही जिया खान की मां राबिया खान भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन डॉक्टर श्वेता, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी, अगर आप रिलेशनशिप में होते हो और आप जान लो कि मेरे पार्टनर की मैनेजर ने खुदकुशी कर ली, ये जानने के बाद क्या आपका गुस्सा शांत नहीं होना चाहिए, क्या आप बात नहीं करती, जो कि रिया चक्रवर्ती ने नहीं की? नहीं, बिल्कुल, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो झगड़ा हुआ हो, चाहे वो ब्रेकअप ही क्यों नहीं हुआ हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से पहले आपकी आपस में एक दोस्ती है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ह्यूमैनिटी है। और जब आपको पता चलता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि उनके मैनेजर जो बहुत क्लोज रहते हैं, आपका काम हैंडल करते हैं, वो हमारे लिए एक पर्सनल लॉस है। और अगर किसी को पर्सनल लॉस हुआ है तो अगर ब्रेकअप भी है उस भी सिचुएशन में आप कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करेंगे, और वहीं से उसी एक पॉइंट से उनके ऊपर डाउट आना, सस्पिशियस हो जाना, कहीं ना कहीं सभी का वाजिब बनता जा रहा है। क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया और कुछ न्यूज अगर से भी आई थी कि ये पता चलने के बाद में वो घर छोड़ के गई थी। सो दैट इज वन पॉइंट विच इज क्लियरली शोइंग कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लिच है जहाँ पे सस्पिशन पटा जा रहा है उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, आप सुशांत की मौत की खबर सुन के भी उसके घर नहीं जाती, आप ये सोचती हैं कि घर वाले पसंद नहीं करेंगे, वहां से हटा देंगे, वहां से भगा देंगे, ये अपने आप में बड़े अजीब से सवालों के जवाब हैं जो मन को कचोटते हैं, परेशान करते हैं। राबिया खान हमारे साथ जुड़ी है, राबिया जी, आपने जिस तरह की स्थिति देखी है अपनी जिंदगी में, खुद निजी तौर पर आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती, जिया खान के साथ जो हुआ होगा आपने बहुत करीब से देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती दोषी साबित हो सकती हैं या उन्होंने ही हो सकता है कि आत्महत्या के लिए उकसाया हो, अकेला छोड़ दिया हो सुशांत को, इस वजह से डिप्रेशन में सुशांत ने ऐसा कदम उठाया हो, या फिर इसके पीछे कोई और है, कोई और नेटवर्क है और हत्या हुई है? देखिए, रिया चक्रवर्ती का जो सुशांत का केस है, साफ जाहिर है ये मर्डर है और यह बहुत सा राज छुपा रही है, बहुत सा राज छुपा रही है। उसको मालूम था ये क्या प्लानिंग हो रही है, सारी स्ट्रैटेजी उसको मालूम था। रिया चक्रवर्ती इज अ कॉम्प्लिसिट इन दिस क्राइम एंड शी शुड बी अरेस्टेड। उसको अरेस्ट कर और इंटरोगेट करके कस्टडी में उससे सारी पूछताछ लेनी चाहिए। वो बहुत बड़ी यू नो राजगार है इस केस में।
राबिया जी, आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज को देखकर, सवालों के जवाब को देखकर, चेहरे के भाव को देखकर आपने क्या फील किया? आप लोग क्या कर रहे हो डिप्रेस्ड लोगों के साथ? आप उनके साथ इश्क लड़ा रहे हो, उनका पैसा स्पंज कर रहे हो, फिर उनको कंट्रोल कर रहे हो, फिर उनको आइसोलेट कर रहे हो, फिर उनको मार देते हो और फिर स्केज कर देते हो, फिर मीडिया से कहते हो उनको ग्लोरीफाई करो, बॉलीवुड से कहते हो हमको हीरो बना दो। ये कोई ये ग्लोरीफाई करना बंद कीजिए। ये क्रिमिनल्स को वाकई इनको इनके क्राइम के ऊपर उनको सजा दीजिए। डोंट ग्लोरीफाई देम। इनके पास में कोई टूल नहीं है, बस ये जो मर गया है उसको इल्जाम लगा दो और जो है बाकी जो टूट गए हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है और मन को परेशान करने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत जब नहीं है हमारे बीच में तो उनके जाने के बाद इस तरह की बात सामने आ रही है कि वो किसी के नहीं सुनते थे, वो जिद्दी थे, वो ड्रग्स लेते थे। अब मनगढ़ंत कुछ भी कहानियां या फिर कुछ भी बयान दिए जा सकते हैं, लेकिन वेदभूषण सर आप ऐसा क्यों ना हम माने जो कि अभी राबिया जी भी कह रही हैं कि दिशा सालियान के बारे में जानकर भी कॉल नहीं करना, कांटेक्ट नहीं करना, मतलब रिया चक्रवर्ती जानती थी सुशांत के साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है और ये मर्डर है। रचना जी, आपके पैनल पर मनोचिकित्सक बैठी हुई हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगी सच्चाई का और झूठ का पता लगाने के लिए। एक मनोविज्ञान के अंदर एक साइंटिफिक तरीका है, उसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट है और लाइट डिटेक्टर टेस्ट है जो आम तौर पर पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और मनोचिकित्सक बैठते हैं, एक क्वेश्चनायर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करते हैं और किस पॉइंट पर, किस सवाल के ऊपर वो झुंझला गई, उनकी स्वेटनिंग आ गई, उनको पसीने आ गए, उनके जो बॉडी के जो अंदर के चीजें हैं, ऑर्गन्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है इस तरह से सच और झूठ को उगलवाने का, और कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। जो आपके पैनल पर मौजूद मनोवैज्ञानिक है वो बताएंगी कैसे सच और झूठ पर डिसीजन किया जा सकता है। अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, किस आदमी ने क्या झूठ बोला, अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, मुझे बताइएगा वो कौन सी सिचुएशन होती है जब नार्को टेस्ट कराया जा सकता है, इसके लिए परमिशन कैसे ली जाएगी, आप सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में क्या ये आता है कि नार्को टेस्ट हो रिया चक्रवर्ती या फिर बाकी मेंबर्स का? बिल्कुल, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है कि कैसे नार्कोटिक जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट है, दोनों टेस्ट कैसे किए जाएंगे। उसमें रचना जरूरी है कि जिस आदमी को आप एग्जामिनेशन करना चाहते हो उसकी अपनी विल होनी चाहिए, उसकी मंजूरी होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ। राइटिंग में उससे लिया जाएगा कि क्या आपको, अच्छा, और अगर रिया चक्रवर्ती नहीं मानती है, अगर रिया चक्रवर्ती नहीं मानती है कि नार्को टेस्ट ना कराया जाए तो नहीं हो सकता सर? हाँ, तो आप यू कांट फोर्स, आप फोर्स नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ वो कोई बात जा रही है। कानून में बहुत सीधा सीधा नेचुरल जस्टिस रखा गया है कि मैं अपने खिलाफ कोई सबूत क्यों दूंगा। यदि वो कहती है कि मैं निर्दोष हूं तो वो तैयार है, तो फिर तो उसका एग्जामिनेशन हो ही जाएगा। तो इसलिए लेट अस वेट कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे चल के होती है इस मामले में। राबिया जी, आप कुछ बोल रही है क्या? राबिया जी, किसी का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसको मनोदशा बोला जाए, अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो वो उसको भी किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए कोर्ट में भी नार्को टेस्ट को पूरी तरीके से प्रूफ नहीं लिया जाता और इसलिए कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ ये कहना, और जिस हिसाब से हम उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं, जिस हिसाब से उनके रिएक्शन देख रहे हैं, तो आई थिंक वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं। वो जितनी इंपल्सिव है, इनकंसिस्टेंसी उनके बिहेवियर में दिखाई दे रही है, तो उस लेवल तक जाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। उसके पहले ही हमारी सीबीआई टीम, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जो भी है वो आराम से एनालिसिस कर सकती है। उनके बिहेवियर बहुत स्ट्रांग है, जो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं। डॉक्टर ज्योति कैन बी फिगर आउट, अगर डॉक्टर ज्योति जो इंटरव्यू इस वक्त चर्चा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी समझ में आती है? अगर किसी का बॉयफ्रेंड, अगर किसी का पार्टनर, अगर किसी का होने वाला पति, क्योंकि शादी की प्लानिंग थी, ऐसे अचानक से चला जाए, इतने सहज भाव होंगे क्या, इतनी सहज बॉडी लैंग्वेज होगी क्या?
डॉक्टर ज्योति वहीं पे ही क्वेश्चन आ रहा है, वही जो इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, जब आपको न्यूज मिली, जब पहली बार उनको देखा गया, जब वो हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर ज्योति से मेरा सवाल है, जैसे बहुत शॉक लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेस्टलेस दिखाई दे रही थी बिहेवियर, कल जब वो सबके सामने आई है तब उनका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से गलत है। डॉक्टर ज्योति को सुन लेते हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया, एक फादर का सेंटीमेंट समझना बहुत अलग है डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहूंगी अलग अलग डॉक्टर्स के जरिए हम अलग अलग इसमें आउटपुट जान सकें कि क्या है, क्या रिया चक्रवर्ती की मानसिकता है, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा होगा। डॉक्टर ज्योति आपसे मेरा सवाल था। देखिए हर व्यक्ति का एक सिचुएशन को हैंडल करने का और रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, और जब आप बैकफुट पे होते हो या डिफेंसिव होते हो तो आपको रिएक्ट करने के लिए कुछ गाइडेंस भी चाहिए होती है। हो सकता है ये गाइडेंस उनको मिली जिसकी वजह से वो आगे आई और उन्होंने अपना व्यू पॉइंट आगे रखने की कोशिश की। पर जैसे वेदभूषण सर जी बोल रहे हैं, हम इन स्निपेट्स के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि गलत था या सही था। इट कैन बी अ वेरी डिफेंसिव मूव, पर डिफेंस अगेंस्ट समथिंग लाइक मैंने जो किया है या मुझे डर लग रहा है या मैं नर्वस हूँ या मैं एंग्शियस हूँ कि मेरे पे सडनली इतना सारा फोकस आ गया है जिसको मैं डिजर्व नहीं करती। लेकिन डॉक्टर प्रीति से मैं ये जानूंगी, जब ये सभी पूछताछ सीबीआई की टीम भी कर रही है, मीडिया के सवालों का जवाब भी रिया चक्रवर्ती दे रही हैं, और उसमें वो सबसे बड़ी बात है कि एक एक्ट्रेस हैं, एक अभिनेत्री हैं, वो जानती हैं कि एक्टिंग कैसे हो। तो नहीं लग रहा है बिकॉज काफी गैप्स है वो जो कहा है, और अगर हम किसी और से कोराबोरेट करा रहे हैं और जो हमें बाकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, काफी मैनिपुलेशन हो रही है चीजों की, इन्फ्लुएंसेस की, जो भी वो बोल रहे हैं, और कहीं बहुत इवेजिव हो रही है। उनके बारे में बात करो तो सुशांत के बारे में बात करती है, सुशांत के बारे में बात करो तो अपने बारे में बात करती है, तो कहीं ना काफी डॉजिंग हो रहा है, शी इज डॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर दैट मैटर, और उसकी वजह से उनकी रिलायबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी घटती जा रही है काफी ज्यादा। क्योंकि आप भी एक फीमेल हैं, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूं, और फीमेल कही जाती है कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती है, कोमल हृदय होता है, और बहुत जज्बाती होती है, बहुत इमोशनल होती हैं। अगर आपका लिव इन पार्टनर, अगर आपका होने वाला पति इस तरह से अचानक आपको छोड़कर चला जाए, आपसे लंबी पूछताछ मीडिया कर्मी कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट आपके सामने बैठा है, आपसे कई सवाल हो रहे हैं, उसमें डेड बॉडी का भी जिक्र है, उसमें मौत का भी जिक्र है, क्या एक महिला, क्या एक फीमेल फूट फूट कर रो नहीं पड़ेगी? देखिए कहीं पे महिला से ज्यादा अब ये पर्सनालिटी पे आ गया है प्रश्न की क्या पर्सनालिटी है उनकी। अगर उनकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने बताया एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक चीज होती है जहाँ पे लोग जो क्रिमिनल्स में अक्सर पाया जाता है, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट पार्ट, तो मुझे लग रहा है कि फिर आपके वो इम्पैक्ट नहीं आता है। एक तरफ आप कहती हैं कि आई स्टिल लव हिम, लेकिन एक तरफ ये कि आपकी आंखों से आंसू तो झड़कते नहीं। राबिया जी, ठीक है, ठीक है डॉक्टर प्रीति। राबिया जी, आप इससे पहले कह रही थी कि ये तो एक बड़ा गैंग है, कोई कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे और हत्या हुई है, आपको कौन नजर आता है इसके पीछे? देखिए इसमें बहुत बड़ा ड्रग का गैंग है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, क्योंकि देखिए ये सुशांत की अगर जो ये आग शुरू हुई थी वो उस वक्त से शुरू हुई थी जब उसका झगड़ा हुआ था, आप समझ रहे हैं, वो झगड़ा जब शुरू हुआ था पंचोली के साथ या जिसके साथ भी, तो वहां से ये आग बढ़ती 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 प्रोफेशनल राइवलरी, काफी मोटिव्स हो जाते सीक्रेट दिशा सालियन का इस तरह यू नो मर्डर होना, और फिर इतना ड्रग कबाल का इसमें एसोसिएट करना, इतनी ड्रग की ट्रैफिकिंग होना, ये एक बहुत बड़ा कबाल है जिसने इसको संभाला हुआ है, और सुशांत उसको शायद सीक्रेट नहीं रखना चाह रहा था तो उन लोग ने उसको निकाल दिया। मेरी बेटी ने भी क्या देखा उस रात को, मैं कह रही हूँ आज सबको अलग अलग ले जाके इंटरव्यू किया जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है, हमारी बच्ची की तो केस में कुछ किया ही नहीं, जो सीबीआई ने मुझे प्रॉमिस किया था उन्होंने तो हमारे केस में किया नहीं, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लिसेट हो गई, एक ऑफिसर बम्बई का कॉम्प्लिसेट हो गया बॉलीवुड आइकॉन के साथ में, पॉलिटिशियन क्लाउड के साथ,
में उसका बाप जो है कितना बड़ा पॉलिटिकल क्लाउड है ये सारी दुनिया को मालूम है, उसकी हरकतें किया है वो सारा पब्लिक डोमेन में है। मैं तो कोई बात ऐसी कर नहीं रही हूँ जो एक बहुत बड़ी सीक्रेट है, मैं तो ओपनली कह रही हूँ, ओपनली कह रहे हो, सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये राबिया जी, सबसे बड़ी बात ये राबिया जी, पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें तो बहुत है, ऐसी स्टोरीज बहुत बनाई जा रही है, ऐसे आरोप बहुत से लग रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ साबित सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब सबूत हाथ में हो, और सीबीआई की टीम लगातार जांच आगे बढ़ा रही है। हम सबको भरोसा है कि सीबीआई की टीम इस केस की तह तक जरूर पहुंचेगी।